फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा जो है नाश्ते की भी तैयारी चल रही है और नहाने धोने की भी तैयारी चल रही है इस समय। और फर्स्ट क्लास धूप निकली हुई है हनले में। वहाँ सामने देखिए ऑब्जर्वेटरी है। अभी हम लोग वहाँ इसके बाद नाश्ता करने के बाद 10 बजे वहाँ जाएंगे। 10 बजे खुलता है ऑब्जर्वेटरी और वहाँ पर गैलेक्सी और स्टार्स वगैरह का फोटोज़ वगैरह भी दिखाते हैं वो लोग। इधर नाश्ते की तैयारी के लिए आलू उबलने भी रख दिए हैं, उधर नहाना धोना हो रहा है। दोस्तों इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर धूल थी कल हम लोग आए ना, इतना ऑफ रोड था, गाड़ी बिल्कुल धूलमधाल हो गई है, इसलिए इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। और देखिए इसमें आलू उबल रहे हैं, लग गई है हमारी सीटियाँ। इधर गाड़ी की सफाई चल रही है, साथ में आलू भी उबल रहे हैं। और दोस्तों नहाना धोना भी चल रहा है और हमारे नाश्ते की तैयारी चल रही है। आलू उबल गए हैं, प्याज भी काटेंगे और इधर ये गोभी घिस रहे हैं। आलू प्याज गोभी के पराठे आज चलेंगे हमारे। अभी तो इनको चारा, ये घास है, इसको चराने के लिए ले जा रहे हैं। और फिर दूध किस चीज, दूध जो आप लेते हो, दूध कैसे, गाय पाल रखी है? गाय भी है ना? और इनसे फिर क्या, इनका क्या करते हो? इनका भी दूध होता है? दूध होता है, इनका भी होता है। बच्चे देखो कितना मजा ले रहे हैं, ये पालते हैं दिन में। खाने में आप लोग क्या क्या खाते हो ज्यादातर, कोई क्या क्या चीज? गाय का लस्सी। और थुपका वगैरह भी खाते हो? मोमोज थुपका है ना, मोमोज थुपका वगैरह सब खाते हो। चलो बहुत अच्छा, देखो बच्चों को दौड़ा रहे हैं, भेड़ के बच्चों को। ये देखिए छोटा बच्चा, हेलो जूले जूले, बाय। और नाश्ते की तैयारी पूरी हो गई है। देखिए ये आलू प्याज का मसाला तैयार हो गया है और ये गोभी के पराठे का मसाला तैयार है। आटा इधर गूंद गया है, देसी घी इधर है, पूरी तैयारी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट का हमने हमारी टेबल लग गई है। और ये देखिए पहले बन रहे हैं आलू के पराठे, एक पराठा तैयार हो गया है, एक पराठा देखिए ये हो रहा है और एक ये बेलन में है। ये भी आलू का है, ये गोभी का है। और गोभी का भी पराठा, आलू गोभी का। और इसमें हमारी छाछ तैयार हो गई है, फर्स्ट क्लास, जीरा हींग वगैरह मिला के। फ्रेंड्स हमारा नाश्ता रेडी है, छाछ इधर, छाछ है, चटनी है, आलू का पराठा, गोभी का पराठा और उधर हमारी देखिए किचन। आज तो बहुत हल्ले का जो है नाश्ता याद रहेगा, क्योंकि हवा नहीं है, हमें ये डर था, हवा भी नहीं है और धूप बहुत अच्छी है, हम उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। सारे बच्चे बिल्ली ढूंढते घूम रहे थे और देखो बिल्ली कहाँ छुप के बैठी है, ये देखो यहाँ छुप के बैठ गई मेरी कार में और ये सारे ढूंढते फिर रहे हैं बिल्ली बिल्ली बिल्ली। भरपूर हमने नाश्ता बनाया है, नाश्ता करके भी चल रहे हैं और साथ में पैक भी करेंगे, वो देखिए सामने रखे हैं। अब हमारा हल्ले से, होम स्टे से हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड। हल्ले में हम लोग अपने होम स्टे से निकल के अब नाश्ता वास्ता करने के बाद में अब ये चढ़ाई कर रहे हैं और जा रहे हैं ऊपर ऑब्जर्वेटरी की तरफ। आपको दिखाते हैं ऑब्जर्वेटरी से पूरा नजारा और वहाँ पर क्या होता है ये भी बताते हैं, पूरा हल्ले वहाँ से दिखाई देगा। दोस्तों हम लोग देखिए ऑब्जर्वेटरी में ऊपर हाइट के ऊपर आ गए हैं इस समय। और यहाँ पर देखिए ये इनका बोर्ड लगा हुआ है तारामंडल का, ये यहाँ पर बैरियर है, इससे ऊपर कार नहीं जाती है। और ऊपर की तरफ जो है ऊपर ऑब्जर्वेटरी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे, बैरियर को पार करके, काफ़ी हाइट के ऊपर है ये। हल्ले भी 14,500 की हाइट पर है और ये तो 15,500 से भी ऊपर है। ये देखिए सामने ऑब्जर्वेटरी है, तारामंडल है। कल रात में हम लोग आए थे ना, होम स्टे में रुके थे, लेकिन कल रात में यहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा थे इसलिए हम लोग देख नहीं पाए। देखते हैं खुली है कि नहीं है। खुला है, देखिए यहाँ से इसकी एंट्री है, चलते हैं अंदर। ऊपर की तरफ है वहाँ पर इनके ऑपरेटर्स, चलते हैं ऊपर। अभी और ऊपर जाना है थोड़ा, यहाँ ऊपर है। ये देखिए यहाँ पर ये टेलीस्कोप फिट किया हुआ है ऊपर टॉप पर, यहाँ तक हम आए हैं लेकिन यहाँ अभी ऑपरेटर ऊपर नहीं है। दोस्तों देखिए ऑब्जर्वेटरी, हनले की ऑब्जर्वेटरी के टॉप पर इस समय हम लोग हैं और यहाँ पर देखते हैं, कुछ फोटोग्राफ वगैरह दिखाएंगे। ये यहाँ पर मशीन लगी हुई है, टेलीस्कोप मशीन है और ये तारामंडल इसी को बोलते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों हम लोग सबसे टॉप पर जाने के बाद, जहाँ ऊपर टेलीस्कोप वो लगा हुआ है, उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे वाली फ्लोर पर। यहाँ पर ये स्क्रीन है और इसको देखने के लिए यहाँ पर अपने आप ही ऑपरेट करना पड़ता है। और इस स्क्रीन के ऊपर अभी देखते हैं इसमें क्या दिखाया जाएगा। ये देखिए जी, ये है गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, सुपरनोवा,
ये गैलेक्सी के सारे ये ग्रह हैं, गैलेक्सीज हैं ये सारे। और इस तरह से हमने ऑब्जर्वेटरी में अंदर जाके अच्छी तरह से देखा, आपको भी दिखाया। सामने मिलिट्री कैंप, अभी मैं और यहाँ से तरह से दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसके साइड में है। गाड़ी हमारी वो दूर खड़ी है। दोस्तों देखिए हम ऊपर ऑब्जर्वेटरी पे हैं, बहुत हाइट पे हैं, और हल्ले जो आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है यहीं पर हमने रात में स्टे किया था होम स्टे में, और यही आबादी है हल्ले की। जो आबादी आप देख रहे हो सामने, यही हल्ले है और इस तरीके से बसा हुआ है हल्ले, आप देख सकते हो पहाड़ों के बीच में। दोस्तों अब हम ऑब्जर्वेटरी से निकल रहे हैं और निकलते हुए ये आपको दिखा रहे हैं नीचे, ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, और ये पूरी आबादी देखिए, ये हल्ले की आबादी है। और अब हम हल्ले से निकल रहे हैं और निकलते हुए देखिए लेफ्ट हैंड पे ये ऊपर जो महल है, पुराना लद्दाख के पुराना राजा का महल बताया जाता है यहाँ पर ये। और हम लोग चलेंगे अब आगे लोमा की तरफ, न्योमा की तरफ, और शायद हो सकता है कि सोमोरेरी लेक भी हम लोग आज ही पहुँच जाएँ। ये देखिए महल का ये दृश्य है, पुराना महल है, जर्जर हालत में है ये हल्ले के अंदर। दोस्तों अब हम हल्ले से निकल गए हैं और जा रहे हैं लोमा, लोमा से न्योमा होते हुए फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। लोमा यहाँ से 49 किलोमीटर है। दोस्तों हल्ले से हम लोग लोमा आ गए 45 किलोमीटर, और अब लोमा से जा रहे हैं 21-22 किलोमीटर है न्योमा। तो पहले न्योमा पहुँचते हैं फिर उसके बाद का प्रोग्राम आपको बताते हैं। लेकिन आप दृश्य तो देखिए, लेफ्ट साइड में ये हमारे साथ साथ ही नदी चल रही है, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देखो किस तरीके के पहाड़ है। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि लद्दाख के इस क्षेत्र में कितनी तेज हवाएं चलती हैं। बारिश तो होती नहीं है तो धूल और हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ये देखिए आप क्या हालत है। दोस्तों हम लोग न्योमा पहुंच चुके हैं, और न्योमा में अब एक पेट्रोल पंप भी है जो कि सबसे हाइट के ऊपर ये पेट्रोल पंप है। इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो इसलिए अब हर जगह यहाँ पर डीजल और पेट्रोल मिल जाता है लद्दाख के अंदर। और देखिए न्योमा से आगे चल के फिर अब हमारा प्रोग्राम बन गया है कि माही पुल से हम लोग सोमोरेरी लेक देखने चलेंगे। देखिए कितना नदी कितनी सुंदर, और पुल, और यहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ भी हैं, और अब हम जल्दी पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स अब माही पुल से हमने यहाँ पर एंट्री कराई है, यहाँ पर एंट्री होती है, और अब हम चलेंगे सोमोरेरी की तरफ, और वापसी भी इधर यहीं से ही होगी। दोस्तों माही पुल से सोमोरेरी जाते हुए देखिए क्या नजारे आ रहे हैं। सड़क भी अभी तक तो हमें अच्छी मिली है, अभी तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बिल्कुल ये ताजी रोड बनी है। देखिए बिल्कुल ब्लैक रोड है और लगता है अभी 10-15 दिन पहले बनी हो। दोस्तों 20-25 किलोमीटर चलने के बाद अभी आगे ये फिर वही ऑफ रोड टूटी फूटी रोड, वहां तक की रोड तो अच्छी थी, अब आगे देखो थोड़ा कष्टकारी रोड है। दोस्तों तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग आ गई है, अब तो तगड़ी ऑफ रोडिंग में चल रहे हैं, लेकिन बस हिम्मत नहीं हार रहे, चल रहे हैं। दोबारा फिर एक सही रोड आ गई है तो जान में जान आई दोस्तों। बस एक तो ऑक्सीजन कम, और ऊपर से ऐसी रोड मिल जाए तो टाइम ज्यादा लगता है, तो हाई एल्टीट्यूड में ज्यादा समय तक रहना पड़ता है तो उससे प्रॉब्लम तो आती है। दोस्तों दिखाई तो देने लगी है लेक, लेकिन दिखते दिखते भी 10 किलोमीटर निकल जाते हैं। अब एक रोड ITPP की ये रोड है, तो बिल्कुल ऑफ रोड पे आ गए थे बीच में, अब इस रोड से चल रहे हैं, ये रोड सही है। दोस्तों देखिए सोमोरेरी लेक तो स्टार्ट हो गई है, और इसकी पहली झलक आप देखिए, क्या लेक है भाई, नीला पानी, सामने सफेद पहाड़, और क्या नजारा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए। अरे कितना जबरदस्त है लेक, ये बहुत दूर तक है अभी और आगे जाना है हमें, चलिए दिखाते हैं। दोस्तों साइड में हमारे लेक है, सामने बर्फ की चोटियां हैं, सड़क तो यहाँ पर अच्छी है। दोस्तों हमारे साथ भी गड़बड़ हो ही गई कुछ ना कुछ, और हम इतनी मेहनत से तो यहाँ तक आए थे हिम्मत करके। अब वहाँ नीचे से रोड था, एक ITPP का रोड था झील के इस साइड से, और एक ऑफ रोड था उस साइड से सीधे वाली रोड से, हम गलती थे और गूगल ने भी हमें धोखे में यही वाली रोड बता दी, और हम इस पे चले गए। 12 किलोमीटर हम चले गए, 12 किलोमीटर बाद जब ITPP का वो कैंप आया, उन्होंने कहा कि आपको तो दूसरे रोड से जाना था, तो अब हम जा रहे हैं दूसरे रोड से, ऊपर से हमने आपको दिखाया है। तो ITPP की चेक पोस्ट पे जहाँ हम पहुँच गए थे वहाँ आगे तो जाने नहीं देते, बताते हैं कि वो तिब्बती क्षेत्र की तरफ वो सड़क जाती है। फ्रेंड सोमोरेरी लेक के हम पास ही आ गए हैं, मुश्किल से हम 1.5 किलोमीटर रह गई है, सामने उधर वहाँ पर
हमने बड़ा डेयरिंग डिसीजन लिया है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, हम लोग अब पहुंच गए बहुत हिम्मत करके सोमरूरी लेक। और ये देखिए, ये लेक है लेफ्ट साइड में, कैंप वगैरह भी है यहाँ पर। फ्रेंड्स, आखिरकार हम लोग सोमरूरी लेक पर पहुंच गए और तगड़ी ऑफ रोडिंग करके, देखिए ये लेक है सोमरूरी। हमारी दो गाड़ियाँ, हमारी फोर्ड उधर खड़ी है और ये दिलेश जी की गाड़ी। हमने हिम्मत करके जोश पूरा दिखाया और पूरी हिम्मत करके देखिए यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ से कलर भी आप देखोगे ना, ये अभी ये देखिए, ये बीच में हरा कलर दिखाई दे रहा है, मतलब कलर के शेड ही अलग है। इधर कहीं डार्क दिखाई दे रहा है, बहुत सारे कलर हैं इस लेक में। लेकिन ये सारी इंडिया के अंदर लेक आती है और ये है सोमरूरी लेक। हम उस साइड से भी हालांकि गलती से गए थे, रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, लेकिन वो नज़ारा भी हमें मिल गया। और हम वहाँ वो बॉर्डर जो जहाँ ITBP तीर से आगे चलना है, थोड़ा आगे चल के वहाँ तक भी गए और यहाँ से भी आपको दिखा रहे हैं। हम लोग अब एंजॉय करते हैं, ये देखिए। और पानी में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर पानी में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, हरा, नीला, ब्राउन। दोस्तों, सोमरूरी लेक जो है 19 किलोमीटर लंबी बताई जाती है, 3 किलोमीटर चौड़ाई बताई जाती है और अधिकतम गहराई इसकी 105 मीटर बताई जाती है। और ये खारे पानी की झील है, पानी की निकासी है नहीं, इसलिए खारे पानी की झील है। दोस्तों, सोमरूरी लेक में घूमने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी है, क्योंकि शाम हो गई है, 5 बजने वाला है और हमें थोड़ा आगे भी जाना है। दोस्तों, सामने जो विलेज है इसमें स्टे के लिए होम स्टे भी काफी बने हुए हैं। चलते हैं, टाटा बाय बाय सोमरूरी। ये देखिए, चलते चलते मैं आपको एक बार लेक दिखा दे रहा हूँ। कलरफुल लेक है दोस्तों, सोमरूरी लेक वाकई में है बहुत सुंदर। हालांकि रास्ता अभी काफी ऑफ रोडिंग है और क्षेत्र में थोड़ी सारी सुविधाएं तो नहीं है, गांव है, रुक भी सकते हैं यहां पर, लेकिन देखने में इतनी लाजवाब है सोमरूरी। एक चैलेंज भी है और वाकई में बहुत ही एक जाना माना ये स्पॉट है लद्दाख का। ये देखिए बर्फ की चोटियां। दोस्तों, इतनी जबरदस्त ऑफ रोडिंग करके और हम रास्ता भी भटके, हिम्मत हमने फिर भी अपनी बनाए रखी और आखिर में हम सोमरूरी लेक जो है उसको देखने में सफल हुए और वहां तक पहुंच भी गए, इसको एक्सप्लोर भी कर दिया आपके लिए। आप हमें इतना सपोर्ट करते हो, इतना उत्साह हमारा वर्धन करते हो, इससे हमारा हौसला इतना बड़ा कि हमने आज वो काम भी कर दिया सोमरूरी लेक पहुंच के, जो हमें हमारे सपनों में लगता था कि शायद नहीं कर पाएंगे। सोमरूरी से वापस आते हुए ये देखिए भेड़ों के झुंड, मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक से। दोस्तों, यहाँ जगह जगह भेड़ों के डेरे हैं और ईंट वगैरह से हमने देखा एक दो जगह कि वहाँ पर आहाता टाइप का भी बनाया हुआ है, जिससे शाम को भेड़ें अपनी आहाते में पहुँच जाएं। दोस्तों, सोमरूरी लेक से हमें जाते हुए ऐसा लग रहा था, और जब ऑफ रोड मिली हमें बहुत जबरदस्त, तो हमें लग रहा था कि रात हो जाएगी कैसे ना कैसे, लेकिन हम फटाफट हम पहुँच तो गए हिम्मत करके और आ गए। आने में उतना टाइम नहीं लगा हमें। और अभी देखिए, अभी दिन है यहाँ पर, तो अब हम लोग सुरक्षित बिल्कुल आ गए। जो हमें डर था थोड़ा सा, वो हमारा डर भी खत्म हो गया। सोमरूरी लेक से हम लोग माही ब्रिज होते हुए अब मेन रोड पे आ गए हैं और अब जा रहे हैं चुमा थांग की तरफ। अब देखते हैं क्या पोजीशन बनती है चुमा थांग में, अगर स्टे का कोई ठीक सा हिसाब किताब बना तो वहाँ रुकेंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। दुनिया से अलग बराबर में नदी है, नदी के उधर पहाड़ है और हम भी तुम्हारी गति से चल रहे हैं। दोस्तों, सोमरूरी से निकल के फिर हम लोग ये सोच रहे थे कि चुमा थांग में रुक जाएं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा अभी टाइम था, तो अब यही प्रोग्राम बनाया है कि उपसी या करू की तरफ ही चलते हैं और फिर वहाँ चल के देखते हैं स्टे करके आराम से आज, और फिर लेह की तरफ बढ़ेंगे आगे। दोस्तों, रात हो गई है और हम लोग करू की तरफ जा रहे हैं अब, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप बने रहिएगा अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।